हाय फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है कॉमन क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू। अगर हम कहीं पे भी इंटरव्यू ले देने के लिए जाते हैं, चाहे एज ए फ्रेशर जा रहे हों या एज ए एक्सपीरियंस जा रहे हों, तो इंटरव्यू किस किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और क्या क्वेश्चन होगा और क्या आंसर हमें देना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। और सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपने देखा होगा कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे हम फ्रेशर जाएं या एक्सपीरियंस जाएं, पहला क्वेश्चन यही रहता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, हमें इस चीज़ का नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं सबसे पहली बात करूँ, हमें सबसे पहला ये कहना होगा कि अपना नाम बताएं, उसमें सेकेंड वन हम बताएं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, थर्ड वन बताएं हमारा कितना एक्सपीरियंस है, फोर्थ वन बताएं आप एकेडमी का एक्सपीरियंस, एकेडमी का अपने जो मार्क्स से रिलेटेड है वो आप डिस्कस कर सकते हो, एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हो, और साथ में लास्ट में आपने अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है फैमिली की। तो ये हमारा सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन जो अराइज होता है कि इंटरव्यूअर हमसे पूछ लेता है कि आप मेरी ही कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसका आंसर हमें थोड़ा सा सोच समझ कर देना है दोस्तों। उसको ये रियलाइज कराना है कि जो मेरे स्किल्स हैं उस स्किल्स के ही अकॉर्डिंग अपनी आपकी कंपनी को रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास सेल्स के स्किल्स हैं तो वो सेल्स के स्किल्स में ही आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है कंपनी की उसमें मैं फिट बैठता हूँ। हमने उसको रियलाइज कराना है कि मैं बेस्ट पीपल हूँ उसकी उस प्रोफाइल के लिए, तो इसका आंसर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में हमें देना पड़ेगा इस तरह। थर्ड क्वेश्चन मेनली जो पूछ लेते हैं वो पूछ लेते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ दोस्तों हमेशा आपका पॉजिटिव में रहेगा। स्ट्रेंथ में आप सबसे पहले ये चीज़ कर सकते हैं कि आप हार्ड वर्कर हो बहुत ज़्यादा, आप टाइम मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट मींस कि आप टाइम की वैल्यू समझते हो। तीसरा आप कह सकते हैं कि आप ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें, ऑनेस्टी सभी जगह रिक्वायरमेंट रहती है। अगर इंटरव्यू में बात करें तो हमारी एक स्ट्रेंथ की तरह प्रेजेंट होती है ये चीज़। तो ये थोड़ा सा हमें स्ट्रेंथ में आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ये छोटा सा मैं एक एग्जांपल दिया, जैसे हमने डिस्कस किया हार्डवर्किंग है, ऑनेस्टी बहुत मस्त है, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी टास्क को लेकर, तो ये हमारी स्ट्रेंथ रहेगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों वीकनेस, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो किसी भी इंटरव्यू से पूछ लेते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। तो वीकनेस भी आपने ऐसी शो करनी है जो आपकी पॉजिटिव हो, जो आपकी स्ट्रेंथ हो। जैसे सबसे बड़ी सबसे पहली वीकनेस आप ये चीज़ कर सकते हैं आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, किसी भी चीज़ का आंसर ईजिली दे सकते हो आप, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पॉजिटिव आपका रहेगा कि जो भी वीकनेस है सबसे पॉजिटिव वे में काउंट होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या आप कह सकते हो किसी भी पर्सन पे आप जल्दी फेथ कर लेते हो, ये आपकी एक वीकनेस रह सकती है। तो ये दो वीकनेस मैंने आपको बताई जो आप जब भी आपका इंटरव्यू आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आ जाता है कि इंटरव्यूअर हमसे पूछ लेते हैं, कंपनी पूछ लेती है कि हम आपको हायर क्यों करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या कहना है कंपनी वाले को या कोई भी इंटरव्यूअर को, आपने क्या आंसर देना है उसमें आपने क्लियर कहना है कि जौन सा भी आपका प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है, वो उसको आपने पॉजिटिवली वे में रिप्रेजेंट करना है। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि आप कुछ कंपनी के बारे में बताओ। तो कंपनी के बारे में दोस्तों अगर हम मैं कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट अच्छे से सर्च करो, कंपनी की इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद कि कंपनी कब से एस्टेब्लिशमेंट हुई, कंपनी के ओनर कौन है, अगर पार्टनर है तो पार्टनर का नाम हो आपको पता होना चाहिए, ओनर का नाम पता होना चाहिए, कंपनी कितनी पुरानी है, उसकी कंपनी की कितनी टर्नओवर है, और लास्ट में कि कंपनी के कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि स्पेशली ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग, अगर ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरव्यूअर आपसे ये बात कर सकता है कि आप लास्ट कंपनी क्यों स्विच करना चाहते हो, तो उसमें भी हमने पॉजिटिव वे में ही आंसर देना है। उसमें हमने ये कहना है कि जो लास्ट कंपनी है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, उसकी कभी भी आपने बुराई नहीं करनी, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट काउंट होती है ये चीज़ें। आपने हमेशा पॉजिटिव वे में उसका आंसर देना है कि मेरी जो लास्ट कंपनी थी मुझे बेस्ट दिया, मैंने बहुत लर्निंग किया वहाँ पर, बट आप ये चीज़ कह सकते हो कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से मैं स्विच कर रहा हूँ और इस कंपनी में भी मैं अच्छा से काम कर पाऊँगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। सैलरी एक्सपेक्टेशन में दोस्तों हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैं फ्रेशर हूँ तो मुझे कभी भी सैलरी नहीं बतानी कि मैं कंपनी वालों से इतनी सैलरी लूँगा,
ये कभी भी आपने नहीं कही ना, अगर आप एज ए फ्रेशर्स कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, कहीं पे भी इंटरव्यू देते हैं, हाँ अगर आप एक्सपीरियंस है और आप सैलरी फॉर एग्जांपल ले रहे हैं 5 लाख पैकेज, तो 5 लाख पैकेज में आप ये कह सकते हैं कि आई एक्सपेक्ट कंपनी की तरफ से मैं ये कर सकता हूँ कि 6 लाख मुझे दें या 7 लाख लें, वो आप कर सकते हैं। लेकिन एज ए फ्रेशर आपने कभी भी अपनी सैलरी डिस्क्लोज नहीं करनी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इंटरव्यू के आगे। एक्सपीरियंस के बेस पे आप कर सकते हो, अगर एक्सपीरियंस कोई कैंडिडेट है वो कर सकता है इस चीज़ को शेयर कि वो कितनी एक्सपेक्टेशन रखता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंपनी के जो इंटरव्यूअर हैं, जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट्स योर करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव में दोस्तों हमने दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले उसको या करियर गोल कह सकते हैं, करियर ऑब्जेक्टिव और करियर गोल भी कह सकते हैं वो उस चीज़ को। उसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, दो तरह के गोल हमने बताने हैं उसको, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और ये दोनों गोल्स आपने एक्सप्लेन करने हैं। शॉर्ट टर्म आपको देखा होगा कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को अगर आप वाइंड अप करते हो वो शॉर्ट टर्म में आता है। लॉन्ग टर्म गोल में आता है कि आने वाले 5 सालों के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो कंपनी में। तो ये चीज़ें भी आपने पॉजिटिव में एक्सपेक्ट डालनी है, उस इंटरव्यू को इन्फ्लुएंस में लेना है और अच्छे से क्लियर करना है वो चीज़। और लास्ट जो क्वेश्चन अगर मैक्सिमम जो पूछा जाता है लास्ट में, इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है कि आप कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, तो आपने वहाँ पे बहुत स्मार्ट आंसर देना है। ठीक है सर, मैं जानना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक्स कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपसे कुछ पूछ पाऊँ। और उसके बाद आप ये पूछ सकते हो कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट क्या रहेगा, आपका सैलरी पैकेज क्या रहेगा, आपकी जॉब लोकेशंस क्या रहेगी, कि अगर आप अगर मैं कहीं से अप डाउन करूँ तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस वो पे करेंगे। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आप पूछ सकते हैं। और यही मेरा आज का टॉपिक था, और होप फॉर द बेस्ट कि अगर इसमें से कुछ भी आप करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं, तो वो आपको पॉजिटिव वे में रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज़ आप बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन भी मैक्सिमम करें, और मैक्सिमम पीपल को आप अवेयर करें, शेयर करें कि मैक्सिमम पीपल तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ। ओके दोस्तों, आज का मैं टॉपिक यहीं वाइंड अप करता हूँ, इसी के लिए थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।